एजेंसी गेरुआ द्वारा भोपारी देवगांव मोड़ हो रही है भारी लूट, हो रही है मनमानी वसूली। ग्रामीण इलाकों में गरीबों से झूठ बोलकर लिया जाता है पैसा, नहीं होती है पासबुक एंट्री और न ही आती है खाते में सब्सिडी। गैस एजेंसी स्वामी द्वारा किया जा रहा है गरीबों का भारी शोषण। से जुड़ी हुई है, वहीं से ये गैस सप्लाई किया जाता है और यहाँ जो गैस संरक्षक है वो रोहित कुमार पटेल ग्राम भोपारी है, भैरव प्रसाद का लड़का है। तो अच्छा, आप करता आप यहाँ रिफिल कराते हैं तो आप यहाँ रिफिल कराते हैं तो आपकी सर सब्सिडी किस तरह से आ रही है? हमारी किसी तरह से सब्सिडी आती ही नहीं है बिल्कुल। आज मैंने कहना चाहिए कि 17 से शुरू हुआ है तो आज तक मैंने 95 रुपये मुझसे लिया जाता है उसके माध्यम से, और आज तक उसकी सर्विसिटी भी नहीं दी गई और 95 रुपये लेता है। अब न तो रसीद है न कोई चीज़ है उसका। कितने रुपए में आपका सिलेंडर भरा रहा है? 95 रुपए देता हूँ, वो मारता है 95 में पड़ता है। 95 रुपए की 95 100 हाँ माने 950 रुपए 950 रुपए में आपका सिलेंडर रिफिल होता है। 950 रुपए में सिलेंडर भरा जाता है। सब्सिडी आपकी खाते में आपकी नहीं आती है। सैलन तिवारी, सैलन तिवारी जी, आपने रिफिल कराया? हाँ कराया है। यहाँ पॉइंट में आपने रिफिल कराया कि गैस एजेंसी? नहीं, पॉइंट में कराया। पॉइंट में जी। तो किस तरह से आपको ये सिलेंडर वितरित किया गया? यहाँ पर हमको 750 रुपये मिला है। 750 में जी। और एजेंसी में किस तरह से मिल रहा है? एजेंसी में हमको 670 रुपये में मिल रहा है। यहाँ पर रोहित कुमार पटेल जो संचालन है यहाँ पर 670 रुपये में, नहीं 700 रुपये में दे रहे हैं। 700 जी, 750 में दे रहे हैं। 750 जी। गैस सिलेंडर रिफिल कराने गए वहाँ किस तरह से आपको गैस वितरित किया जा रहा है? वहाँ जो है तो हमें 750 रुपये सिलेंडर मिल रहा है। और ये जो हमारे यहाँ गांव में एजेंसी है वो गेरुआ से कनेक्शन, उसका गेरुआ से टच है वो पॉइंट। गेरुआ एजेंसी, इंडियन एजेंसी, गेरुआ एजेंसी का ये पॉइंट है। पॉइंट है जी, पॉइंट है ग्राम भोपारी जी जी। और सिहावल में हम जाते हैं गैस लेने, सिलेंडर लेने, तो वहाँ 670 रुपये मिलता है हमें। और यहाँ हम लेने जाते हैं तो यहाँ 750 रुपये ही लेते हैं हमसे। तो यहाँ जो है तो हमारे जो यहाँ संचालन कर रहे हैं तो हमारे गांव के ही हैं रोहित पटेल, तो वो हमसे 750 रुपये लेते हैं।